गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम बता रहे थे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली टुवार्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ का डिस्कशन किए थे हम लोग कि केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके बाद क्या है कि आपका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद कुछ मेटल के साथ क्या बनाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, तो देखिए नाइट्रोजन फैमिली जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ये दो प्रकार का ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन फैमिली। इट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। दो प्रकार के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। पहला ऑक्साइड क्या है, पहला ऑक्साइड का टाइप क्या है, E2O3, और दूसरा का टाइप है E2O5। ध्यान में बैठा लीजिए कि नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करेगा, दो टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। पहला ऑक्साइड का प्रकार होगा E2O3 टाइप्स एंड सेकेंड है E2O5 टाइप्स। ठीक है, वेयर ई, आपको पता है कि ई क्या है, वेयर ई इक्वल टू नाइट्रोजन फैमिली। ई क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, आपको सारे एलिमेंट अब तो याद हो गया होगा, हमने इतना बार बोर्ड पर लिखा है कि शायद आप इसको अब भूल नहीं पाओगे। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो दो प्रकार के ऑक्साइड ये बना रहे हैं E2O5। जैसे एग्जांपल पे लेते हैं, सपोज मान लीजिए नाइट्रोजन बना रहा है N2O3 और साथ साथ क्या है N2O5। हम लोग ऑक्साइड का डिस्कशन एक अलग टॉपिक है, इसी में नाइट्रोजन फैमिली में ही नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हम लोग को पढ़ना है और उसका स्ट्रक्चर को भी देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आया करता है, पूछा करता है। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के ऑक्साइड्स हमारे पास हैं N2O3 और N2O5। ठीक है, तो दो प्रकार के ऑक्साइड नाइट्रोजन फैमिली तैयार कर पाता है, टाइप हो गया E2O3 और दूसरा टाइप E2O5 है। अब बात आती है कि ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड जो एक्चुअली क्या है कि ये दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो भी ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ये जो बनाएंगे, कैसा ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और ये दोनों जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये फाइनली क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा, बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करने वाला है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और बीच वाले दो एलिमेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं, ये है आपका मेटालाइट्स, पहले बता चुके हैं आपको। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सभी को पता होगा कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, माने मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब कि NSN एनर्जी घट रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ये है कि जो इसके ऑक्साइड होंगे, इसके ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा मतलब कि जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ जाता है। ठीक है, और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड घट जाता है। इसके मतलब शुरू वाले नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होगा, फुल्ली एसिडिक होगा। ठीक है, और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी बीच वाले हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली जो है बेसिक पे आके रुक जाएगा, बिस्मथ बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब बात आती है, देखिए एसिडिक ऑक्साइड को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर हम निकालते भी हैं तो आपको बार बार पहले भी निकाल के दिखाए हैं, 2x (-3)0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, +3। यहाँ पे +3 के स्टेट में है और यहाँ पे +5 के स्टेट में है। ठीक है, तब दोनों है एसिडिक ऑक्साइड, दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होता है, एक तो समझिए कोवेलेंट नेचर भी बढ़ जाता है, कोवेलेंट नेचर बढ़ने से क्या होता है, ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी आपका बढ़ रहा है। इसके मतलब फाइनली क्या होगी हमारे पास,
कि इस टाइप का जो ऑक्साइड, इस टाइप का जो ऑक्साइड होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इस टाइप के ऑक्साइड क्या होंगे, ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब E2O5 टाइप ऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन E2O3 टाइप ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से देखिए N2O3 का निर्माण हो गया। ठीक है, आप सुन लीजिए N2 2x, यहाँ देखिए प्लस 5 × −2 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 10 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू +5। यहाँ पे नाइट्रोजन किस स्टेट में है, +5 के स्टेट में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 के स्टेट में है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, क्लियर। तो अब फिर आप जान लीजिए कि जब भी नाइट्रोजन फैमिली आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाने वाला है, एक टाइप है E2O3 या दूसरा टाइप है E2O5। E2O5 इज मोर एसिडिक दैन E2O3 टाइप ऑक्साइड्स, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द एसिडिक नेचर ऑफ दैट ऑक्साइड्स, इज इट क्लियर। तो ये हो गया रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। अब मैं आ रहा हूँ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ ये क्या करने वाला है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन बता दिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन बता दिए, अब हम लोग मिलने वाले हैं हेलोजन के साथ, क्या होगा कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, हेलोजन के साथ ये क्या करने वाला है, ये देखिए कि नाइट्रोजन फैमिली हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो कहता है कि नाइट्रोजन फैमिली व्हेन रिएक्ट विथ हेलोजन, नाइट्रोजन फैमिली रिएक्ट विथ हेलोजन, with halogen to form two types of halide, दो प्रकार के halide बनाएंगे, two types of halide, दो प्रकार के halide बनाएंगे, of type कैसा, of type EX3 and EX5, दो प्रकार के halide का निर्माण करेगा, एक EX3 type और दूसरा EX5 type का formation करेगा। एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, और ई के बारे में आप बोलने की जरूरत नहीं, शायद आप समझ चुके हैं वेयर जो ई है क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है। ई क्या है, नाइट्रोजन का फैमिली है, नाइट्रोजन के मेंबर है। ठीक है, तो मान लेंगे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन का, सपोज नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए ई एक्स, मान लेंगे हम लिख देते एग्जाम्पल में PCl3 और PCl5, एग्जाम्पल भी आपको मिल गया कि EX3 टाइप वाला भी एग्जाम्पल दिए आपको और हम EX5 टाइप भी एग्जाम्पल देंगे, मतलब फास्फोरस पेंटाहेलाइड मीन्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस अगर इस तरफ से लिखते हैं हम लोग कि PX3 और PX5 का मतलब क्या है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड और फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि, लेकिन हाँ इसमें क्या है, नाइट्रोजन का कुछ अलग बिहेवियर है कि नाइट्रोजन में क्या बात है कि नाइट्रोजन क्या है, इस टाइप का हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, PX5 टाइप का हैलाइड वो नहीं बनाता है, जिस तरह से फास्फोरस PX5 बना रहा है, PCl5 बना रहा है, नाइट्रोजन नहीं बना पाता है PCl5। अब बात आती है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों का भी हम जवाब प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार हम बता चुके हैं कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है अपने नाइट्रोजन फैमिली में जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है उसके वैलेंस सेल में, इसलिए अपने कोवैलेंसी को वो एक्सपेंड नहीं कर पाता है, अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता है, और कहां तक सीमित रह जाता है आपका PX3 मतलब कि EX3 मीन्स NCl3 तक एग्जिस्ट करता है, हालांकि NCl3 बनता नहीं है, NCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, NF3 बनाता है, NF3 वो बनाता है, क्या कि NF3 फॉर्म करता है, NCl3 नहीं बना पाता है नाइट्रोजन। उसका भी पीछे लॉजिक है, उसके पीछे भी रीज़न है। तो ये जान लीजिए कि ये ट्राई हैलाइड बनाएगा लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। अगर रीज़न आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चंस भी है, ये क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि वाई, देखिए हम लिखने वाले हैं कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड,
does not form pentahalite. Pentahalite. ठीक है, तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता है लेकिन फास्फोरस बना पाता है। रीजन आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है कि नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंडी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेल। इसके वैलेंस सेल में आपका डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है, इसलिए इट डज नॉट एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी। अपने कोवैलेंसी को ये एक्सपेंड नहीं कर पाता है, बढ़ा नहीं पाता है, इसलिए ठीक है। क्यों कि आप देखिए नाइट्रोजन के पास हम जानते हैं 7 एटॉमिक नंबर होता है, किसके पास 2 और 5, मींस मैक्सिमम कितना सेल यूज हुआ है, 2 सेल का यूज किया नाइट्रोजन, मीन्स आप जानते हो कि n इक्वल टू टू है, हमारा सेल की संख्या क्या है 2 है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n मीन्स एजुमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी 2 ही आएगा। क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजुमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू समान होता है, अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू भी 2 ही निकल के आएगा। वो क्या क्या वैल्यू है, 0 और 1, s और p। इसके मतलब है कि नाइट्रोजन के पास s और वैलेंस सेल में s और p सब सेल तो है, s और p तो ऑर्बिटल है, लेकिन d ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहेलाइट नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अब देखा जाए कि फास्फोरस की कहानी थोड़ा देखिए कि 285 है फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिए n इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया, n इक्वल टू 3 आ जाता है फास्फोरस के लिए। तो n इक्वल टू 3 अगर आ रहा है फास्फोरस के लिए, ध्यान देंगे n इक्वल टू 3 आएगा तो l का वैल्यू क्या होगा, 0, 1 और 2 मीन्स एजुमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, sp(d)। तो इसके पास अवेलेबल d ऑर्बिटल मौजूद है वैलेंस सेल में, इसलिए ये पेंटाहेलाइट का निर्माण करेगा, नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है, पेंटाहेलाइट नहीं बनाएगा, और अदर मेंबर पेंटाहेलाइट्स मीन्स फास्फोरस कैन फॉर्म पेंटाहेलाइट। तो यहाँ भी वही बात है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई पेंटाहेलाइट इज मोर कोवैलेंट देन ट्राईहेलाइट। ठीक है, तो अब यह है कि देखिए सिंपल सा रीजन है कि पेंटाहेलाइट अगर है फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस अगर है हमारे पास तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड, ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ज़्यादा कोवैलेंट होगा वो, और ट्राईहेलाइड में 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, 3 उसकी कोवैलेंसी क्या हो, 3 है, इसलिए कम कोवैलेंट। दूसरी बात ये भी रीज़न लिख सकते हैं आप कि पेंटाहेलाइड में फास्फोरस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में है, ठीक है, और ट्राईहेलाइड में फास्फोरस क्या है, ठीक है, ट्राईहेलाइड में क्या होता है, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ने से क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और साथ साथ एसिडिक नेचर भी बढ़ने वाला है उसका। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताया कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें एग्जिस्ट करता है, ये याद रखिएगा, NF3 ये आपको लिए काम आएगा कि नाइट्रोजन NF3 बनाता है। मिटा दें, आप देखिए इसके बाद है कि मेटल के साथ कुछ रिएक्शन है इनका, तो खासा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए अकॉर्डिंग टू NCERT चल रहा है हम लोग, तो वो भी कर लेते हैं कि मेटल के साथ रिएक्शन है नाइट्रोजन फैमिली, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, आर्सेनिक वाले सपोज सोडियम के साथ रिएक्शन इसका दिखा दे, इसका एंटीमनी दिखा दे जिंक के साथ, इसका दिखा दे आपका मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बनाएगा Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, ये बनाएगा Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, ये बनाएगा Na3 और AS
क्या बनाएगा? सोडियम आर्सेनाइड, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड है। और ये क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, Zn2+ है, इसके मतलब ये बनाएगा Zn3 और Sb2, इसको बोलते हैं जिंक एंटीमोनाइड, एंटीमोनाइड जिंक एंटीमोनाइड है ये, जिंक एंटीमोनाइड। और ये हो गया मैग्नीशियम Mg3 Bi2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बिस्मेथाइल, बिस्मेथाइल। ठीक है, तो ये इस टाइप का नाइट्रोजन क्या होता है, अलग अलग मेटल के साथ मिलके फॉर्मेशन करता है। पहला हो गया आपका कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, और नाइट्रोजन फैमिली देखिए होता है क्या ना, नाइट्रोजन फैमिली मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड तो बनाता ही है। ठीक है, तो वो नाइट्राइड क्या होता है ना, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके जब नाइट्राइड बनाएगा तो वो नाइट्राइड क्या होता है, मेटालिक नाइट्राइड जो होता है, मेटालिक नाइट्राइड जो होता है आयनिक कैरेक्टर का होता है। मेटल के जो नाइट्राइड होते हैं आयनिक कैरेक्टर के होते हैं, और नॉन मेटल के नाइट्राइड जो बनाएंगे ये, नॉन मेटल का भी नाइट्राइड बनाएगा ये, ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल का नाइट्राइड ये नहीं बनाएगा। तो नॉन मेटल का नाइट्राइड बनाने का मतलब ये है कि वहाँ पर वो क्या होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। तो जितने भी नाइट्राइड आप देख रहे हैं मेटल के साथ, सारे नाइट्राइड आर ऑल आर आयनिक इन नेचर, सब क्या है आयनिक नेचर्स का है। तो मैंने आपको क्या बताया कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन आपको पढ़ा चुका हूँ। केमिकल रिएक्टिविटी में हम लोग क्या पढ़े, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन पढ़े थे। अभी पढ़े हम लोग क्या, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, नाइट्रोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करके दो प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, बता चुके हैं आपको, E2O3 और E3O5 का ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप का हैलाइड बनाता है, EX3 टाइप, EX5 टाइप। और मेटल के साथ रिएक्ट करके आप देखें ये सब चीज़ का फॉर्मेशन करता है, आयनिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है ये नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया सारे केमिकल रिएक्टिविटी टुवार्ड्स डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन। क्या पढ़ना है हम लोग को, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ना है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, हालांकि बहुत सारी चीज़ मैंने डिस्कस पहले ही बोल दिया डाई नाइट्रोजन के बारे में, फिर भी हम लोग टॉपिक है तो फिर से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। डाई नाइट्रोजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डाई नाइट्रोजन के बाद अमोनिया पढ़ाएंगे आपको, अमोनिया के बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ाएंगे, उसके स्ट्रक्चर्स बताएंगे किस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जितने भी चीज़ को अभी तक हम लोग पढ़ें, अभी तक जो पढ़ें उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, ताकि आपके साथ ये चैप्टर बना रहे हमेशा और आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं, तब तक के लिए आपके लिए आप इसको पढ़िए और रिवीजन कीजिए टाइम टू टाइम। थैंक यू।